नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हरपल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो राजभवन से आ रही है। हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं और उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। सीधे हम आपको लिए चलेंगे राजभवन, जहाँ हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम पद की शपथ जो है वो हेमंत सोरेन ने ले ली है। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो भी राजभवन में मौजूद हैं। वहीं शपथ ग्रहण लेने के बाद जो है जो फॉर्मेलिटीज़ है उसे पूरा करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो नज़र आ रहे हैं। यानी कि कल तक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जाने पहचान रखने वाले हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री के तौर पर जो है एक बार फिर से आए हैं और ये झारखंड में एक बड़ी राजनीतिक सरगर्मी जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि झारखंड की राजनीति की चर्चा अगर हम करें तो जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है तभी से यहाँ की राजनीति और यहाँ की सरकारों की चर्चा होती रही है। क्योंकि सरकारें जो है वो बदलती बनती और साथ ही चेहरों में बदलाव देखने को मिलता रहा है। 2014 की बात करें तो 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सत्ता पाई थी और उस वक्त रघुवर दास ने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया था, लेकिन उस रिकॉर्ड को अब तक कोई तोड़ नहीं पाया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि हेमंत सोरेन उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, लेकिन 4 साल के बाद ही हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा और उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी राजनीति की ओर इशारा करता है। चूंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले चेहरों में बदलाव एक और एक तरफ बड़ी राजनीतिक सरगर्मी की ओर इशारा करता है। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी आ रही है। 2 तबका जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राजभवन में जो है वो नेशनल एंथम जो है वो चल रहा है। एक बार इसकी तस्वीर इसकी धुन भी जो है वो हम अपने दर्शकों को जरूर सुनाएंगे। Honorable Governor to present the bouquet.
जो है वो ले ली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी नेहा भी हमारे साथ राजभवन के बाहर से जुड़ चुकी हैं। सीधे राजभवन का रुख करेंगे और साथ ही तस्वीरें जो है वो लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे। नेहा, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, राजभवन के बाहर हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी के समर्थक भी मौजूद हैं, किस तरीके का उमंग और उत्साह नजर आ रहा है नेहा? जी रेखा, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं राजभवन के बाहर उपस्थित हूं, जहां पे मैं बता दूं कि तीसरे बार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ जो है वो ले ली है और ये तेरहवें मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्साह का माहौल दिख रहा है। अगर उत्साह की का बात करें तो जब ईडी ने गिरफ्तार किया था हेमंत सोरेन को, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है निराशा देखने को मिल रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करूँ तो 150 दिन जेल में रहने के बाद जब उनको बेल मिला, तो वहीं दूसरी ओर जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह का माहौल दिखने लगा और उसके बाद जो लोग थे सड़कों पर उतरे और बम पटाखे फोड़े और अपनी खुशियां जो है लोगों ने जाहिर की, जिसे देखते हुए विधायक दल की बैठक हुई। और वहीं विधायक दल की बैठक के बाद सभी की सहमति से आज जो है शाम 5 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार जो है सीएम की शपथ ग्रहण जो है वो कर ली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं कि भले ही जनता में उनके जो लोग हैं उन पे खुशियों का माहौल तो दिख रहा है, पर राजभवन के आसपास किसी भी कार्यकर्ताओं को, जेएमएम के कार्यकर्ताओं या इंडिया गठबंधन के किसी भी कार्यकर्ताओं के यहाँ पे अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। कोई यहाँ पे वैसे उपस्थित नहीं है। हालांकि राजभवन के बैरिकेडिंग के बाहर जो है लोगों का बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही ये चीज दिखाने की कोशिश करेंगे लोगों से आपको आनन फानन में जो है वो मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है। तो एक तबका ऐसा है, यानी कि विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें, भाजपा की बात करें, तो उनकी ओर से अब चंपई सोरेन को लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें प्रेशराइज्ड करके मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है और हेमंत सोरेन ने आनन फानन में यह पद लिया है। जनता इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। जी रेखा, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि निशिकांत दुबे जी ने भी ये साफ तौर पे लिखा था कि प्रेशराइज करके ही उनको सीएम पद से हटाया गया। लेकिन ऐसी कुछ भी बातें जो इंडिया गठबंधन से जाहिर होते नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मैं वही बता दूं आपको रेखा कि जिस तरह से चंपई सोरेन अपने पद में थे, वहीं उन्होंने बखूबी काम की, लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया और बखूबी अपने पद में जिस तरह से रह के उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाए हैं। लेकिन जिस तरह आए हुए चुनाव को देखते हुए जो है लोकसभा के चुनाव को देखते हुए माफ़ कीजिएगा विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है फिर से जो है हेमंत सोरेन सीएम का पद को लेकर के जो है यहाँ पे शपथ ग्रहण कर ली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से जारी है, तो वहीं उनका कहना है कि अभी वो के दौर जो देखने को मिल रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या इस तरीके की राजनीति भाजपा की ओर से करने की कोशिश की जाएगी, जहां पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया जाएगा और साथ ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री से हटाने को लेकर के भी जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और इसका कितना असर जो है वो विधानसभा में नजर आएगा नेहा? जी रेखा, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने धूल चटाने का काम किया था और 5 SD सीट जो है वो अपने नाम की थी, तो वही उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बौखलाहट जो है बीजेपी में भी, मतलब विपक्ष पार्टियों में भी देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस बात को विपक्ष जो है मुद्दा बनाएगी कि किस तरह से जो है ये परिवारवाद का जिस तरह से नीतियाँ जो है वो चली आ रही है, तो फिर से जो है हेमंत सोरेन सीएम के पद की जिस तरह से शपथ लिए हैं,
तो इस बात को मुद्दा इस बनाने की कोशिश करेंगे कि इतनी जल्दी भी क्या थी कि हेमंत सोरेन जल्द से जल्द शपथ ले लिए? क्या ऐसे कारण हो सकता है कि जो चंपई सोरेन है उसे पद में नहीं रहने दिया गया? इस बात को लेकर के जरूर जो है विपक्ष लोगों के बीच बात रखती नजर आएगी और गुमराह भी कहीं ना कहीं करने को बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश करेगी। हालांकि अभी जो है हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है और अगर उनकी जो पार्टियां हैं उनके लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह का जो माहौल है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है, जगह जगह खुशियां मन रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटी है, तो वो ज़रूर प्रखंड में, ब्लॉक स्तर में और पंचायत स्तर में जा करके जो है लोगों के बीच इस बात को रखेगी कि सीएम का चेहरा जो है चंपई सोरेन थे, उस वक्त भी बखूबी वो काम कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उनको हटा करके फिर से एक बार जो है हेमंत सोरेन को पद में जो है शपथ जो है वो एक तबका ऐसा है जो हेमंत सोरेन का विरोध भी करता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग जो है इस सरकार के खिलाफ है, सहायक पुलिसकर्मी जो है वो सड़कों पर है और उनका यही कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार और जेएमएम की सरकार जब से बनी हुई है उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। आज भी राजभवन घेराव की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में भी रोक दिया, हमने वो खबर भी दिखाई। लोगों का आंदोलन जो हो रहा है इसका कितना खामियाजा इस सरकार को आने वाले दिनों में उठाना पड़ सकता है। दो कि हमने अपनी लाइव तस्वीरों में खास तौर पे ये चीज़ दिखाई थी कि किस तरह से सहायक पुलिसकर्मी जो है मोराबादी मैदान स्थित जो है उन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी था, लेकिन आज के दिन जो है उन लोगों का जो सब्र है वो सब्र का बांध टूटता नजर आया। लगातार 3 सालों से उन लोगों की कई सूत्री मांगे थी जो लगातार वो रख रहे थे। और वहीं दूसरे मैं बता दूँ कि 2019 में जब जेएमएम की सरकार आई तो उस वक्त जो सरकार है उनसे तरह तरह के वादे किए पर इस पर जो है वो गौर नहीं की, जिसको लेकर के सहायक पुलिसकर्मी भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। हम लोगों ने उनसे बात भी की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या वो अपना जलवा दिखाएंगे, क्या उसका भुगतान जो है सरकार को करना पड़ेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर भी इस बात को कहा कि जी हाँ, हमारी मांगों पर जिस तरह से गौर नहीं कर रही है सरकार, तो हम भी आने वाले चुनाव भी उस सरकार पर गौर नहीं करेंगे और उसे धूल चटाने का काम करेंगे, इस तरह की बातें भी कही। हालांकि वो लोग राजभवन घेराव करने पहुंचने वाले थे लेकिन प्रशासन द्वारा जो है बैरिकेडिंग लगा करके उनको रोक दिया गया, वो लोग वहीं थम गए। भारी बारिश जो है लगातार हो रही है लेकिन फिर भी वो लोग अपनी मांगों पर अड़े हैं। उनकी मांगे जो है उनकी वेतन से रिलेटेड होगी, दूसरी मांगे जिस तरह से जो जवान शहीद हो गया है उनको लेकर न्याय की बातें उन लोग कर रहे थे, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर के, फ्री मेडिकल चेकअप को लेकर के उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। ऐसी कई ऐसी मांगे हैं जो सहायक पुलिसकर्मी जो है सरकार के बीच रख रहे हैं पर लगातार 3 सालों से रख रहे हैं, आखिर इस पे अभी तक कोई गौर नहीं हो पाया, जिसको लेकर के वो लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। सड़क पर उतर रहे, इससे पहले भी कई बड़े विरोध प्रदर्शन किए थे, सड़कों पर उतरे थे जिसमें वो लोग जो है सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ जो है बुलंद तरीके से नारे भी लगाते नजर आए थे। इस बार फिर से उन लोगों का फिर से एक बार दौर जो है वो जारी हो गया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि इसी वक्त जो है उन लोगों की मांग 3 साल के अंदर जब उनकी मांग चल रही है तभी पूरी की जाती है, या फिर इस डेट को आगे बढ़ाया जाता है, या फिर आने वाले चुनाव में जो है वो सहायक पुलिसकर्मी हो या जनता हो वो सरकार को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी। जी रेखा, जी रेखा, मैं बता दूं आपको कि ये बिल्कुल आनन फानन में हो रहा था, जिस तरह से झारखंड के सियासी माहौल में उथल पुथल चल रहा है ये बिल्कुल सोचने वाली एक तरफ से बात होती है कि अचानक से जो है ये उथल पुथल हुई कहाँ से और आ कहाँ से रही है। वहीं हमारे साथ जो है रेखा, हमारे साथ यहाँ पे जेएमएम के कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, हम डायरेक्ट जुड़ेंगे जेएमएम के कार्यकर्ता से और उनसे रूबरू होकर के आपसे बात करवाएंगे कि क्या कहेंगे। ये कुछ अचानक से चंपई सोरेन को इस्तीफा दे दिया गया और हेमंत सोरेन ने फिर से जो है सीएम पद के जो है पदभार किया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे?
खुशियां हो रही है? देखिए, हम लोग सभी लोग बेहद खुश हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता सभी लोग खुश हैं, और माननीय हेमंत सोरेन जी तीसरे बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम लोग सभी बधाई देते हैं उनको, और उनको आने वाले जैसे भी चुनाव हैं, आगे चुनाव हैं, उसको देखते हुए कार्य करेंगे, और जिस तरह जनता की ओर, अपने जनता की ओर जाएंगे, ताकि आगे वाले चुनाव में फिर वो मुख्यमंत्री बने, यही हम चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशियों की लहर है, क्योंकि जिस तरह से नारे लग रहे थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, जब उनके छूटने के बाद जो है लगातार ये नारे लगने लगे कि जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, इस तरह की खुशियों का माहौल जो देखने को मिल रहा है। और अब जो है, अब आप लोग भी जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा खुशियाँ हो रही है? देखिए, काफ़ी कार्यकर्ता खुश हैं, नेतागण खुश हैं, और जेल का ताला टूट गया और हेमंत सोरेन छूट गया, और आपने देखा वो कोर्ट की टिप्पणी की इनके पास सबूत ही नहीं था, 5 महीने इनको जेल में रखा, जो हेन तेन पलकेन करके जो इन्होंने सरकार गिराने का काम किया था, आज कोर्ट ने क्लीन वो बता भी दिया कि इनके पास सबूत नहीं है, कोई सबूत तो लाई डी के पास, ऐसे में सबूत भी नहीं मिला, और हेमंत सोरेन जो जमानत मिली है तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किसी का एक आदिवासी और एक उभरते हुए लीडर को कहीं दबाने की कोशिश किया था। अब माननीय मुख्यमंत्री फिर से बन रहे हैं तीसरी बार, और आने वाले चुनाव में भी जनता माफ नहीं करेगी, और वो लगातार चौथे बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जनता का एक सवाल भी है, लेकिन जनता का जो है एक सवाल भी है यहाँ पे कि इतनी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि जो है हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द जो है शपथ लेना पड़ा, और ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि चंपई सोरेन को कहीं ना कहीं वो दबाव दिया गया है उनको इस्तीफा, कहीं नहीं दबाव दिया, वो अपनी मर्जी से ही किए हैं, क्योंकि जनमत जो था माननीय हेमंत सोरेन को ही दिया गया था, तो और चंपई दा खुद ही उनको अपना जो मुख्यमंत्री पद है उन्होंने बताया, उनको मुख्यमंत्री पद उनको खुद सौंपा है, तो कहीं दबाव नहीं है और किसी तरह का कुछ नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन अभी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और जो बचे हुए कार्यकाल में जनता के लिए काम करेंगे, और आने वाले चुनाव में भी ऐसा लकीर खींचेंगे कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे चौथे बार। लेकिन मैं बता दूं कि विपक्ष का ये भी कहना है कि अभी वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं, सिर्फ उनको हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जज ने जो है उन्हें जमानत दी, अभी वो दोष मुक्त नहीं। देखिए, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, ठीक है आप, लेकिन कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें आप देखें क्या कहा टिप्पणी, आपके पास सबूत पूरी सबूत भी नहीं है, क्या आपने कहा कि पूरी सबूत भी नहीं है, उस पर जमानत मिला है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में भी वो दोष मुक्त होंगे। विपक्ष को ये करारा जवाब ही क्या लगता है, ये करारा जवाब है, क्योंकि जिस तरह से उनको दोषी ठहराया जा रहा था, उनको कई तरह की ऐसी बातें कही जा रही थी, तो क्या लगता है कि इनका जो है फिर से सीएम बनना जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बहुत बड़ा करारा जवाब है? ये तो जवाब ही है ना, कि अगर आपने फिर से जिस मुख्यमंत्री को जो राज्य के एक बढ़ते हुए आदिवासी मुख्यमंत्री थे, देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो गए थे, जो राज्य के मुख्यमंत्री जो लोगों के हित में काम करे थे, वैसे मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल कर काम नहीं किया, फिर वो मुख्यमंत्री कोर्ट भी बोलती है सबूत नहीं है और वो फिर मुख्यमंत्री बोलते, तो कहीं ना विपक्ष के लिए ये करारा जवाब है, और आने वाले दिन में भी जनता ऐसी लकीर खींचेगी कि दोबारा बीजेपी का सरकार। जी रेखा, मैं बता दूं आपको कि ये जनताओं में, कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा खुशियों का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, और उनका कहना है कि जिस तरह से इस बार फिर से वो शपथ लिए हैं, तो अब जो है शपथ लेने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी दिख रही है, और बीजेपी को ये बिल्कुल करारा जवाब है, ये बिल्कुल वही हम आपको दिखाएंगे कि ये काफिला जो है राजभवन का बिल्कुल चलता हुआ वो है वो आ रहा है, हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि राजभवन के द्वार जो है किस तरह से खुल रहे हैं, और यहाँ के कार्यकर्ताओं में बिल्कुल खुशियों का माहौल दिख रहा है। दूसरी ओर जो है जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है हेमंत सोरेन को लेकर के जो है खुशियों का माहौल दिख रहा है, लगातार उनके नारे जो है वो लगाते हुए नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीएम का काफिला जो है वो निकल चुका है, और सीएम भी यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये काफिला जा रहा है, कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशियों की माहौल दिख रही है। 150 दिनों के बाद जो है वो जेल के बेल के बाद जो है काफी ज्यादा लोगों में तो खुशी थी, लेकिन उनको फिर से सत्ता में आने के बाद जो है कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशियां दिख रही है। दूसरी ओर जय जय के नारे जो है बिल्कुल लगाए जा रहे हैं, और अब जो है ये काफिला निकलना जो है वो शुरू हो गया है।
दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि शपथ लेने के बाद ये काफी ज्यादा जो है खुशी और सीएम का काफिला जो है वो राजभवन से निकल चुका है और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली है और तमाम जो नेता है वो खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जी भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन इसके साथ ही चर्चा इस बात की होने लगी कि 4 महीने पहले चुनाव से आनंद फानंद में इस तरीके से शपथ लेना आखिर किस ओर इशारा करता है। देखिए रेखा, चूंकि उम्मीद ये नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी कि सीएम हेमंत सोरेन सीएम पद पर जाएंगे। जानकारी ये आ रही थी सूत्रों से और जो बातचीत हो रही थी उसमें साफ ये स्पष्ट हुआ था कि चंपई सोरेन को ही वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उन्हें कंटिन्यू करने के पीछे एक बड़ा संदेश वो देना चाह रहे थे कि वो सत्ता से दूर रह करके वो घूमे, चूंकि चुनाव था और विधानसभा चुनाव से पहले वो ये समझा जा रहा था कि वो पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे, यात्रा पर निकलेंगे। आमतौर पर जो नेताएं पार्टी के जो करते रहते हैं वो निकलते हैं, निकल करके घूम घूम कर शायद वो पूरे राज्य भर में इस बात की चर्चा करते हुए बताने की कोशिश करते कि एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है ईडी ने एक जमीन घोटाले में। ये जानकारी ये मिल रही थी, ये एक तरह से योजना थी, लेकिन अचानक से ये बदलाव आ रहा है। इस पर फिलहाल भी कुछ करने का कहा जाता है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि सत्ता और संगठन इन दोनों पे पकड़ तभी हो सकता है जब हेमंत सोरेन एज ए सीएम रहे यहाँ पर, क्योंकि सरकार को चलाना भी है, वक्त कम है, उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को जमीन पे उतारनी है, कई योजनाओं को क्रियान्वित करना पड़ेगा, चुनाव है तो निश्चित तौर पर साथ ही साथ घूमना होगा। सत्ता पे पकड़ और संगठन इन दोनों चीजों पे, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं हेमंत सोरेन से, इसलिए हेमंत सोरेन ने सोचा कि शायद मुख्यमंत्री के रूप में रह कर के ही बेहतर होगा। और एक चीज आपने ये भी सुना होगा कि कार्यकर्ता ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी के जो आरोप लगाई और ईडी की जो कार्रवाई हुई उसके बाद जो ये अभी बेल पर रिहा हुए हैं, लेकिन उसे भी गलत साबित करना होगा। ये चाह रहा है लोग, ये पूरे सत्ता मतलब जेएमएम के कार्यकर्ता को लग रहा है कि सीएम बन जाने के बाद एक तरह से अंगूठा दिखाने वाली बात होगी, लेकिन ये चूंकि कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि सत्ता पे बैठ करके एक मुख्यमंत्री के रूप में शायद जो बचा हुआ वक्त है उसमें दोनों काम करना है, एक तो संगठन को मजबूत, संगठन को चुनाव के लिए तैयार करना, बूथ बूथ पे चुनाव की तैयारी करनी है, और साथ ही साथ जो बचे कुचे जो काम है, जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करना है, उन्हें धरातल पर उतारना है। रेखा मनीष जी, चूंकि बीजेपी को एक बैठे बिठा है मुद्दा देने का काम जो है वो हेमंत सोरेन ने किया है, चूंकि हेमंत सोरेन को इस तरीके से बाहर आने के बाद से निशिकांत दुबे लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इन बातों का जिक्र कर रहे थे। कल भी जब बैठक हो रही थी सुबह से ही लगातार निशिकांत दुबे का ट्वीट आ रहा था और चंपाई सोरेन को लेकर के काफी भावुक पोस्ट करते हुए तंज कस रहे थे और उनकी ट्वीट का असर जो है वो साफ तौर पर नजर आया जब हेमंत सोरेन ने सीएम पद की आज शपथ भी ले ली। देखिए पता नहीं किस हैसियत से सांसद घोड़ा सांसद ट्वीट करते हैं राज्य सरकार के मामलों पर, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, प्रदेश प्रवक्ता भी नहीं है और न ही वो केंद्र सरकार की ओर से उन्हें कोई आधिकारिक ये कहा गया है कि वो यहाँ के राज्य सरकार के जो जो घटनाएं हैं उस पर ट्वीट करें। ऐसे ट्वीट करना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से जिस लहजे में वो करते हैं उन्हें लगता है कि वही आधिकारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नहीं है, प्रदेश प्रवक्ता वही है और कोई दूसरा कोई नहीं है। खैर चूंकि ये होना लाजमी था, ये माना जा रहा था और ये कोई नई बात नहीं है कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी आरोप में अगर पद से हटाए जाते हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में, गिरफ्तार नहीं कहेंगे, न्यायिक हिरासत में जब उन्हें लिया जाता है तो वैसे में उनके जगह पर या तो उनकी पत्नी या उनके परिवार के लोग या फिर संगठन के किसी दूसरे को बैठाया जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये पहले भी हुई, कोई नई बात नहीं। दूसरी बात कि राज्यसभा के सांसद बनाए गए गांडे से, वहाँ से विधानसभा तो कल्पना सोरेन को भी लाया गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये तमाम ये सिंपल सी बात है, ये स्वाभाविक घटनाएं हैं, ये होना ही था। अब चूंकि अब बैठे बिठा आपने सही कहा कि विपक्ष को एक बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया और वो ये कहेंगे कि हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ के अलग नहीं रह सकते हैं, ये परिवार सत्ता से दूर नहीं रह सकता है, या फिर वो ये कहेंगे कि एक चंपई सोरेन जैसे जो 7 सालों से जो लगातार विधायक इतने दिनों से वो हैं संगठन में, काफी पुराने सिपाही क्या करता रहे हैं, तो उनके हाथों में सत्ता की चाबी थी तो इसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके से विपक्ष जरूर कहेगा और विपक्ष का ये काम है, स्वाभाविक है ये रिएक्शन,
लेकिन समझना होगा कि अब चूंकि विधानसभा की का चुनाव है, उससे पहले बहुत कुछ चुनौतियां होती हैं, सरकार को बहुत सारे काम पूरे करने होते हैं। और अंदर से ये भी खबर आ रही थी कि वो भी स्वाभाविक हम उसे मानेंगे कि जब चंपई सोरेन सत्ता पर आ गए, सीएम बन गए, तो उनके जो करीबी हैं, क्या हम उनके कह सकते हैं जो उनके साथ रहने वाले हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत पकड़, उनकी पकड़ नहीं कहेंगे, सक्रियता बढ़ रही थी वहाँ सीएम हाउस में, कामकाजों में। तो कहीं ना कहीं इसे लेकर के तानाशाही चल रहा था कि जो पकड़ हेमंत सोरेन और उनके करीबियों की थी, शायद वो धीरे धीरे कम हो सकता था। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि हेमंत सोरेन ने निर्णय ये लिया कि बचे हुए समय में वो खुद मुख्यमंत्री की बागडोर संभाले, वो कुर्सी पर बैठे, सत्ता और साथ ही साथ सरकार और संगठन, इन दोनों को उनकी पकड़ बने। क्योंकि सरकार एक दल की नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, तो इंडी की संगठन है, तालमेल में चल रहा है, तो तालमेल बिठाने में शायद वो खुद सक्षम ज्यादा होंगे। उनकी बातचीत सीधे होगी हाईकमान कांग्रेस से, दिल्ली में बातचीत होगी उनसे, या फिर बिहार में राजद से बातचीत होगी, तो वो शायद सक्षम और व्यक्ति हैं इस हैसियत से कि उन सबके बीच तालमेल बना सके। अब चूंकि आज हेमंत सोरेन आगे, अब आगे की जो घटना होगी वो ये होगी कि अब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और कुछ नए चेहरों को भी लाने की बातचीत चल रही है। रेखा, हम आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चूंकि आलमगीर आलम साहब अभी नहीं है, उनके ऊपर आरोप है, और अब वहां से अब इरफान अंसारी के नाम आ रहा है कि वो उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा संथाल परगना से, और अल्पसंख्यक चेहरा के रूप में वो आएंगे। दूसरा जो नाम आ रहा है वो ये एक नाम आ रहा है, पड़ैया से विधायक हैं प्रदीप यादव, वो भी चाह रहे हैं कि अगर वो लोकसभा नहीं जीत सके तो कम से कम उन्हें एक मंत्री का मिले। लेकिन दीपिका पांडे भी एक हैं, वो आगे में उनका भी नाम काफी आगे चल रहा है, क्योंकि दीपिका पांडे का केंद्र के साथ अच्छा संबंध है, उनके अपनी पार्टी में उनके साथ लोग, वहां से लोग उनके पीछे हैं, ये अलग बात है, उन्हें लोकसभा का टिकट बीच में ही उनके उनसे ले लिया गया। तो रेखा, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो आज घटना हुई है, हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो प्रेस वार्ता किया था, उन्होंने समय कुछ और कहा था, लेकिन अचानक से ये पहले हो गया, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण ही होगा, और हेमंत सोरेन ने शायद इसलिए ये निर्णय लिया होगा। लेकिन हेमंत सोरेन जब निकले हैं बाहर तो एक नए वर्जन में है, एक नए चेहरे में, हम कहेंगे कि एक नया अवतार में वो निकले हैं। जेल से आने के बाद, इतने दिनों तक अंदर रहने के बाद, हिरासत में रहने के बाद, निश्चित तौर पर वो मंथन चिंतन हुआ होगा, कुछ बातें हुई होंगी कुछ लोगों से, तो उसके बाद अब जो ये आएंगे, अब ये निकल करके बाहर निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा, चूँकि तस्वीरें बदल गई है और हेमंत सोरेन की छवि के साथ साथ उनका पूरा का पूरा पर्सनालिटी जो है वो जेल से बाहर आने के बाद बदला हुआ है, एक अलग अंदाज में है, और अब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी कमान वापस से पा ली है, जिसके बाद से काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का जश्न भी शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। हम अपने दर्शकों को सीधे राजभवन लिए चलेंगे, चूँकि राजभवन के बाहर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। नेहा, बताइए किस तरीके का अपडेट जो है वो राजभवन के सामने से नजर आ रहा है। सच्चाई की जीत हुई है, देखिए षड्यंत्र का फांस हुआ, सच्चाई की जीत हुई है। क्या बोल रहे विपक्ष? मुक्ति मोर्चा जो है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सुपड़ा साफ कर देगी। अरे दोष मुक्त नहीं हुए मैडम, तो आरोप साबित हो गया क्या? दोष मुक्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आज मोदी जी के कैबिनेट में 18 केंद्रीय मंत्री जिनके ऊपर जघन्य अपराध का आरोप है, वो कैसे कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं? ये सब सुगुफा सब लोग समझने लगे हैं। बीजेपी का प्रोपगंडा है, दूसरे को बदनाम करो और मोदी जी का चेहरा चमकाओ। आप क्या किए? अजीत पवार चक्की पीसिंग, कहाँ अजीत पवार चक्की पीस रहे हैं? भाग मुकुल भाग, अरे भाग मुकुल भाग, कहाँ मुकुल भागे मुकुल? अरे कोल्हान साफ, बीजेपी साफ हो जाएगी। 400 बोले थे ना, 400, अब की बार 400 पार, 240 में आ गए। दो बैसाखी लेके चल रहे, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ नीतीश कुमार। बैसाखी की सरकार में के भरोसे मोदी जी है, यही झूठ और छल प्रपंच के कारण। अगर आज वो सच बोलते और जनता के हक के में काम करते तो आज 303 से 240 में नहीं आते, हम लोगों की सीट बड़ा। टाइगर, आज से 4 दिन पहले, आप लोग ध्यान दीजिए, आज से 4 दिन पहले टाइगर जगन्नाथ महतो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा जब हेमंत सोरेन जी छूट गए, तो बोले कि हेमंत जी अब अपनी जिम्मेवारी को संभाले और मुझे मुक्त करें।
जब चंपई सोरेन जी खुद इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नाम पे चुनाव हुआ, 5 साल के लिए उनको मैंडेट मिला और आप फंसा के जेल भेज दिए, वो भी कौन सा जमीन में? आप आज तक देश के इतिहास में आप लोगों ने कभी सुना है कि सिविल केस में किसी व्यक्ति को जेल भेजा गया हो? सिविल केस में जेल भेज गया जमीन का मामला में, वो भी कौन सा जमीन जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस जमीन का मालिकाना है किसी और के पास है, और जिनका मालिक ने आज तक आरोप नहीं लगाया कि जमीन में हेमंत सोरेन जी ने कब्जा किया है, फिर भी एनकेएन पर करन पकड़ के जेल भेज दिए। एक मामला आप याद कीजिए, पूजा सिंघल जी के पास से 18 करोड़ रुपया पकड़ाया था, उनके सीए से जब पूछा गया कि ये 18 करोड़ रुपया पकड़ाया है ईडी के सामने किनका है, तो बोले कि ईडी के लोग दबाव बना रहे हैं कि बोल दीजिए ये पैसा हेमंत सोरेन जी का है। तो फंसाने का प्रयास तो आप लोग जब से सरकार बना है तब से आप हेमंत जी को कर रहे हैं और लाइव सारे चैनलों में इन सब चीज़ों को झारखंड की जनता ने देखा है। इसलिए एक ही चीज़ बोलेंगे, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है। कुछ दिन हम लोग परेशान थे पर अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और जो जो जुमले वाली सरकार है जिनका काम है कि दूसरे को ऊपर आरोप लगाओ और उनको बदनाम करके अपना चेहरा चमकाओ, वो मोदी जी अब होने वाला नहीं है। आप तो कहते थे अजीत पवार चक्की पीसेंगे, कहाँ चक्की पीस रहे हैं अजीत पवार जी। आप तो कहते थे कि भाग मुकुल भाग, मुकुल राय तो भाग के चले गए बीजेपी में, ईडी ने कार्रवाई करना बंद कर दिया। तो अब कोई जुमले में आने वाला नहीं है, अब न्याय कोर्ट ने किया है और निश्चित रूप से झारखंड की जनता दोबारा देखेंगे आपको सीधे लाइव तौर पे कि यशवंतनी सहाय जो है वो भी यहाँ पे उपस्थित थी। हम सीधे तौर से जुड़ेंगे उन पर और हम बात करने की बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर 3 महीने में चुनाव है तो बहुत खुशी हो रही है कि इतनी मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल हम जीतने भी वाले हैं, वापस आएंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी फिर देखिए विपक्ष की बात है तो विपक्ष ही जाने, आप भी देखिए कि क्या हो रहा है संसद में। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बात नहीं हो रहे हैं पर परिवारवाद के बारे में ही सिर्फ बात हो रहा है, तो इन सब पर ना कि लोगों के मुद्दों के बारे में बात करें विपक्ष, क्योंकि अब वो सरकार उनकी है तो बस यही कह रही है। दूसरी ओर अब देख रहे कि राजभवन के समक्ष जो है कितनी सारी भीड़ जो है यहाँ पे जुट चुकी है, सभी सत्ता दल के नेता पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हम बिल्कुल जुड़ने की तो कोशिश कर ही रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे हम उनसे सुनेंगे जानेंगे। शपथ ले लिए हेमंत सोरेन और फिर से वही खुशियों की लहर सभी में दौड़ रही है। निश्चित तौर से एक साजिश के तहत में हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया था, वो साजिश टूट गया, दोबारा आए तो झारखंड की जनता ने चाहा कि हेमंत सोरेन पुनः मुख्यमंत्री बने, आज मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। विपक्ष कह रही है ये परिवारवाद चल रहा है और साबित भी हो रही है इस तरह की बात नहीं। 2019 में हमने हेमंत जी की अगुवाई में चुनाव लड़ा था इंडिया गठबंधन, और 2024 में भी उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए ये परिवारवाद नहीं है हमारा। 2019 में ही हमने हेमंत जी के अगुवाई में चुनाव लड़ा था, तो परिवारवाद कहाँ हुआ? भाजपा का काम है, नहीं भाजपा का काम है इल्जाम लगाना, हमारा काम है बढ़ते रहना। कार्यक्रम क्या होगा? चुनाव में जा रहे हैं, विकास करते हुए जितनी घोषणाएं हैं उसको पूर्ण करते हुए चुनाव में जाएंगे। इस बार फिर से राज्य में हेमंत सोरेन का चेहरा नजर आ जाएगा निश्चित तौर से, फाइनली 2024 में
फिर शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के। हेमंत जी, ये हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी जुड़ चुके थे, जिन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी फिर से राज्य सरकार का जो चेहरा है वो नजर आएगा। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और भी सत्ता पक्ष के नेताओं से और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो अपनी राय जो है वो रखते हैं। हम बिल्कुल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये राजभवन के समक्ष की है, जहाँ पे सभी के चेहरों पर जो है खुशी की लहर जो है वो नजर आ रही है। मैं चाहूंगी कि तमाम नेताओं से आप लाइव इंडिया के एक साल के सफर को लेकर भी शुभकामना जरूर मांगे, क्योंकि लाइव इंडिया ने भी अपना एक साल का सफर पूरा किया है और हेमंत सोरेन की सरकार में वापसी हुई है। उसको क्या बोल सकते, उसके पास कोई इशू है बोलने के लिए? कुछ नहीं है। आप बीजेपी को बोलने के पहले अपना गिरवा देखना चाहिए, क्या बोलेगा? विधानसभा चुनाव में असर दिखने को मिलेगा इसको? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में गठबंधन बिल्कुल इससे भी बेहतरीन मेजोरिटी से जीत कर आएगी। राकेश, दादा हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया है, क्या कहेंगे, कितने उत्साह? पूरे हेमंत सोरेन जी को और हमारे कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब को भी, सभी लोगों को भी ढेर सारी शुभकामना। नेतृत्व अभी हेमंत सोरेन का जरूरत था, चुनाव है दो चार महीना में, चुनौती भी है, बहुत सारे काम भी, नौकरी से संबंधित, रोजगार से संबंधित जैसे मामले किए जाना है। और हेमंत सोरेन जी इस एक विपरीत परिस्थिति में जिस तरह से उसको जेल भेजा गया और जेल से वो निकले, तो स्वाभाविक उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और चार साल उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर काम किए, तो उनका पुनः शपथ लेना ये गठबंधन के लिए ये शुभ संकेत भी है, अच्छा है। आने वाले दिन में चुनाव है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे, इससे भी ज़्यादा संख्या में सीट कैसे जीत कर आए। इसके साथ साथ में जो नौकरी जैसे मामले हैं, बहुत ऐसा मामला सर, वो जनता का जो भावना है उस भावना का अनुरूप सरकार के काम। इरफान अंसारी भी जुड़े हैं, हम इरफान अंसारी से भी जुड़ने की बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे उनको, किस तरह की खुशियां जो है वो महसूस वो करते हुए नजर आ। तो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही है, तमाम नेता खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सम्राट चौधरी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। उनके परिवार की पार्टी तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।